क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, 6 महीने में खेले जाएंगे 2 IPL। जानिए BCCI क्यों करेगी ऐसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिकेट फैंस के लिए कौन सी खुशखबरी आई है, 6 महीने में कैसे खेले जाएंगे 2 IPL, क्या है BCCI का पूरा प्लान बताएंगे इस पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको। तो आप सब पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी IPL के फैन और कर रहे हैं IPL का इंतजार, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर की। सोमवार 20 जुलाई की सुबह तो इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का आयोजन हो पाएगा या भी या नहीं, इस पर संयम बना हुआ था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI तब तक IPL के आयोजन पर फैसला नहीं ले सकती थी जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी ICC इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित नहीं कर देगी। सोमवार की देर शाम को ऐसा हो गया और T20 वर्ल्ड कप स्थगित कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होते ही IPL 2020 के लिए भी दरवाजे खुल गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि BCCI को अब 6 महीने के अंदर IPL के 2 संस्करणों का आयोजन करना होगा। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिसका खुलासा हम आज करने वाले हैं कि आखिर क्यों BCCI की मंजूरी है कि 2 बैक-टू-बैक IPL आयोजित करने पड़ेंगे। BCCI के ऊपर IPL एक आयोजन को लेकर किसी बोर्ड या ICC का दबाव नहीं है। दरअसल इस साल IPL सितंबर से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक खेला जाना है, जिसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन BCCI की एपेक्स काउंसिल और IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये तय हो गया कि सितंबर के आखिरी में नवंबर की शुरुआत तक IPL के 13वें सीजन को समाप्त करना है। इसके बाद BCCI को अगले 6 महीने में एक और IPL का आयोजन करना होगा, क्योंकि फिर आगे कोई भी विंडो खाली नज़र नहीं आ रही है। ICC ने T20 विश्व कप 2021 के लिए अक्टूबर नवंबर की विंडो तय की है, जबकि इस साल T20 फॉर्मेट में आयोजित होने वाले एशिया कप को भी टाल दिया गया। ऐसे में एशिया कप 2020 में न होकर 2021 में होगा, और इस टूर्नामेंट के लिए सितंबर की विंडो एशिया क्रिकेट काउंसिल अपना सकती है। इसके अलावा मई में आखिर से अगस्त सितंबर तक इंग्लैंड और अन्य देशों में क्रिकेट खेली जाती है। ऐसे में BCCI के पास सिर्फ अप्रैल और मई की विंडो IPL की बचती है। अप्रैल और मई की विंडो IPL को इसलिए भी सूट करती है क्योंकि एशिया को छोड़कर उस दौरान किसी भी देश में क्रिकेट खेलने का मौसम नहीं होता। ऐसे में सभी खिलाड़ी इस लीग में खेलते हैं। यही कारण है कि BCCI को नवंबर में IPL के 13वें सीजन को समाप्त करना होगा, जबकि 14वें सीजन के लिए BCCI को फिर से अप्रैल और मई में विंडो चाहिए होगी। इस तरह BCCI को 6 महीने में 2 IPL आयोजित करने होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 6 महीने में 2 IPL होने चाहिए और क्या यह सही रहेगा? आप इस सब बारे में अपनी राय में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।